चंडिकायै सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्रिय दर्शकों, अभिवादन। मैं आचार्य श्री पंडित भागीरथ पांडे आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो दुर्गा पूजा से संबंधित है। यह नवरात्र व्रत कहलाता है, जिसे दुर्गा पूजा भी कहते हैं। श्री देवी मद्भागवत के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नर नारी बाल वृद्ध सभी मनाते हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा का शुभारंभ दिनांक 17 अक्टूबर 3 शनिवार से होने जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि में ही कलश स्थापन होना चाहिए। 17 अक्टूबर 2020 को प्रतिपदा तिथि का मान रात्रि 11:48 तक है। अतः घट स्थापन के लिए प्रतिपदा तिथि उपयुक्त ही है, परंतु इस दिन 17 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र ही है। इस चित्रा नामक नक्षत्र में देवी पुराण के अनुसार कलश स्थापन नहीं ही होना चाहिए। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को चित्रा नक्षत्र का मान 14:41 अर्थात 2 बजे के बाद पीएम तक है। भविष्य पुराण के मतानुसार तीसरे अंशों को त्याग कर कलश स्थापन कर लेना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार रात्रि में कलश स्थापन कदापि नहीं ही करना चाहिए, बिल्कुल निषेध है। अतः इस द्वंद्व स्थिति को देखते हुए दिन में एएम 11:36 के बाद से 12:23 पीएम तक कलश स्थापन कर लेना श्रेयस्कर है। अभिचिन्न मुहूर्त व्यतीत होता है, इसी शुभ लगन एवं शुभ नक्षत्र में कलश स्थापन, ध्वजारोपण, शारदीय नवरात्रारंभ एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शास्त्रोक्त है। आज ही शैलपुत्री का पूजन भी करना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं दुर्गा माता की प्रतिमा एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें। कलश स्थापन के बाद षोडशोपचार से कलश स्थापन के पश्चात षोडशोपचार से गणपति पूजन, कलश पूजन, घोड़स मातृका पूजन, लोकपाल, दश दिग्पाल एवं नवग्रह पूजन तथा वरुण देव का पूजन भी करना अत्यावश्यक है। वैदिक रीति से अथवा अपने सांप्रदायिक विधान के अनुसार पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ जिस पुस्तक से आप दुर्गा पाठ प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उस पुस्तक का भी पूजन भली भांति अवश्य कर लें। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापन करना श्रेयस्कर माना गया है। इस दिन आंवला तथा सुगंधित तेल से भगवती का पूजन करना चाहिए। पुनः 18 अक्टूबर 2020 को द्वितीया तिथि में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। रविवार दिन पड़ेगा भगवती के बाल बांधने वास्ते रेशमी डोरी होना आवश्यक है। पुनः 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को तृतीया तिथि में चंद्रघंटा माता की
पूजा होगी। सिंदूर और दर्पण से देवी का दर्शन करें। पुनः 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को चतुर्थ दिन उष्मांड देवी का पूजन होगा। चतुर्थी तिथि के अंत में मधुपर्क तिलक नेत्र मंडल होगा। पुनः 21 अक्टूबर पंचम दिन बुधवार अस्कंद माता का ध्यान एवं पूजन होगा। अंग राग तथा अलंकार प्रदान करना चाहिए इस दिन। पुनः 22 अक्टूबर षष्ठ दिन गुरुवार कात्यायनी देवी का ध्यान एवं पूजन होगा। बेल वृक्ष का अभिमंत्रण होगा, पूजन होगा। पुनः 23 अक्टूबर सप्तमी को बेल की पूजा देवी के समीप करनी है, पत्रिका पूजन करनी है, अर्धरात्रि में निशा पूजन करना है, आज ही काल रात्रि का ध्यान एवं पूजन कर लेना है। वीर मित्रोदय के मतानुसार सरस्वती आवाहन भी आज ही कर लेना चाहिए। 24 अक्टूबर 2020 शनिवार महाअष्टमी व्रत होगा। इस दिन महागौरी देवी का ध्यान एवं पूजन होगा। इसी दिन भगवती शक्ति धारण करती है, जो भक्तों को कल्याण करने के लिए वरदान प्रदान करती है। महानवमी 25 अक्टूबर रविवार को होगी। इस दिन सिद्धिदात्री भगवती की पूजा तथा ध्यान होगा। इसी दिन हवन कुमारी पूजन, कुमारी पूजन में प्रथम वर्ष से 9 वर्ष की आयु तक बाली बालिका का ही पूजन करना श्रेष्ठकर माना गया है, शेष निषेध है। दसवीं तिथि 26 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा दुर्गा विसर्जन एवं समी पूजन, अपराजिता पूजन, सीमोल्लंघन, जयंती ग्रहण, नीलकंठ का दर्शन होगा। इस वर्ष कलश स्थापन शनिवार को होने से भगवती का आगमन घोड़े पर हो रहा है, अर्थात माता भगवती वो अश्व पर सवार होकर के आ रही है। इसका फल सत्ता में परिवर्तन, छत्र भंग होगा। पुनः विजयादशमी दिन सोमवार 26 अक्टूबर को होने से देवी भगवती महिक पर अर्थात भैंस पर सवार होकर के जाएगी। इसका फल महा भयंकर महामारी रोग होगा तथा शोक होगा। इस वास्ते है ना, भगवती की आराधना करके, भगवती की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्ति है ना कर लेना चाहिए। श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। माँ भगवती आप लोगों को भी कल्याण करें, यही मैं माता से आशीष मांगता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। जय माता।